हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। बहन बता रही है इनके इनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, बेबी बॉय चाहते थे, मिल नहीं रहा था। जैसे ये चर्च में आए ये बहन प्रेग्नेंट हुए, लेकिन 8 मंथ में ही इनका बेटा पैदा हो गया और सांस लेने में दिक्कत थी, बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। लेकिन ये जैसे चर्च में आए प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, बेबी नॉर्मल है, बेबी वेंटिलेटर से बिल्कुल आजाद हो चुका है। देखो कितनी प्रॉब्लम थी इस बहन को। हाँ हाँ बताएंगे शाबाश। हाँ जी हाँ जी, कहाँ से आए बताएं शाबाश। सबको जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। हम पापा जी दिल्ली से आए हैं। हमारा लड़का जब हुआ तो पापा जी से सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और ये से तुरंत हमें दिखाए भी नहीं लेके चले गए, इसे नर्सरी में एडमिट कर दिए पापा जी। और सब कह रहे थे इसकी जान नहीं है, इसे जान जो है पापा जी मतलब मशीन के द्वारा ले रही है। मैंने प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु ने हमें दिया है तो हमारे प्रभु हमारे बच्चे को जान देंगे। मैं रिसीव की प्रभु जी, मेरे बच्चा जिंदा है। हालेलुया। देखो आपके सामने कैसे रो रही है कि जब इसको बच्चा हुआ तो बता दिया गया। क्या बताया था डॉक्टर ने? पापा जी बोले कि मतलब जिसे मशीन के द्वारा सांस ले रहे हैं बच्चा, मशीन के द्वारा। जी पापा जी। और मशीन के द्वारा सांस लेगा और फिर कैसे ठीक हुआ? मैंने पापा जी मतलब प्रार्थना सुबह शाम प्रार्थना करवाई, आपका नंबर लिया, आपके नंबर पे मैंने फोटो भेजा, वीडियो भेजा, प्रार्थना करवाई ले मतलब एनांटिक वाले तेल। और आपने हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर आपने वीडियो भेजा, फोटो भेजा और प्रेयर कराई। और ये बहन बता रही है कि अब बच्चा बिल्कुल बच गया, बिल्कुल सुरक्षित है। डॉक्टर ने कहा था ये जल्दी प्रीमैच्योर है, नहीं बच सकता, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश।